नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आप दुकान के लिए कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाह रहे हैं तो उस समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है आज हम उसी के बारे में बताएंगे। चलते हैं राइट साइड और शॉर्ट में हम बताते हैं क्या क्या आपको ध्यान देना। अगर हम दुकान की बात करें तो सबसे पहले दुकान क्या होता है कि रोड के बगल में होता है, ठीक है। और उससे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब आप दुकान बनाएंगे तो उस समय आपका जो हम हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई कि जब कुछ भी तरह कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं तो उसमें जो है प्लिंथ रोड लेवल में प्लिंथ बीम देना ज़रूरी है, जिसको आप प्लिंथ लेवल ही बोल सकते हैं। प्लिंथ लेवल में जो बीम देते हैं उसको प्लिंथ बीम बोलते हैं। प्लिंथ बीम के ऊपर ही ईटा की जुराई करें। फिर उसके बाद आता है कि भाई आपको उसमें लिंटल लेवल तो यहाँ इसका जो दुकान का लगभग आपका 8 फीट से ज़्यादा ही होता, 7 फीट पर नहीं होता, तो 8 फीट पर आपको एक बीम देना है। वो बीम पूरा हैवी होना चाहिए। जैसा आप रूफ में बीम देंगे वैसा सेम जो है यहाँ भी बीम देना। आप बोलेंगे सर यहाँ बीम की ज़रूरत क्या? देखिए बीम का ज़रूरत यहाँ पे इसलिए है क्योंकि जब आप यहाँ पे शटर, क्योंकि दुकान में शटर यूज होगा, शटर MS का शटर, और MS का शटर का वेट को मतलब कि बियर कर सके उस लिए इस पर जो है बीम दिया जाता है। और इसमें क्या ध्यान रखना, जहाँ भी आपका दुकान है वहाँ पे अगर आप सिंगल फ्लोर है तो ठीक है, अगर उसके ऊपर ही बनाना चाहते हैं तो आपको जो है एक स्टेयरकेस देना पड़ेगा, सीढ़ी इसके ऊपर में जाना, जैसे आप सीढ़ी देख रहे हैं। और साथ ही जो है दुकान वालों के लिए जो है आपको एक पानी का सुविधा और साथ ही और उसमें जो है टॉयलेट चाहे बाथरूम का सुविधा आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और ये तो ठीक है। और रोड से जो है आपका जगह छोड़ना पड़ेगा पार्किंग के लिए, कोई भी आदमी आए तो पार्किंग करके जो है यहाँ पे दुकान के पास आए, ऐसा ना कि रोड पे ही गाड़ी पार्किंग कर दें। तो दुकान भी बना रहे हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि दुकान ब्रिक में ही बना देते हैं, नहीं, आप उसमें भी जो है फाउंडेशन बनाइए, कॉलम बनाइए, फिर उसके बाद जो है 8 फीट के हाइट में आपको जो है एक बीम दीजिए जिसमें आपका शटर लगेगा। और ये तो इस साइड का हो गया। अगर आपका दूसरा साइड भी रोड है तो उस साइड भी आप जो है डोर मतलब ओपनिंग छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बेनिफिट होता है जिस आदमी का दुकान कॉर्नर साइड में रहता है उसका दो साइड से जो है गेट रहता है, जिससे कि भाई को दोनों में मैनेज कर सके, उधर भी फेस रहेगा इधर भी फेस रहेगा, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। फिर इसके बाद आता है आपका फ्लोर रूफ बीम। रूफ बीम देंगे और रूफ बीम में आप छत ढलाई कर देंगे और सीढ़ी दे दीजिए, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसके ऊपर भी अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो ये है आपका दुकान का बना, अगर दुकान आप बना रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाना है, क्योंकि क्या कोई भी तरह का मिस्टेक ना हो दुकान बनाते समय। और एक और चीज़, इसमें फ्रंट साइड में वेंटिलेशन ज़रूर दीजिएगा, और वेंटिलेशन हमेशा जो है MS का जाली टाइप का दीजिएगा, वो ज़रूरी है, क्योंकि पुणे तो पूरा दुकान में सफोकेशन टाइप का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए ज़रूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में दिखेगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।